सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया एनिमेशन आप कैसे बनाना है। कुछ इस तरह का सोशल मीडिया आइकन एनिमेशन बना के आपको दिखाने वाला हूं। कुछ इस तरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में जो चल रहा है। इसी तरह से आप जो ग्रीन स्क्रीन की मदद से यहाँ पर सोशल मीडिया एनिमेशन आप कैसे बना सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन जो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको कैसे यूज करना है, आपके वीडियो में कैसे इसको लगाना है, सभी कुछ इस वीडियो आपको बताने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि आपको इसको कैसे एडिट करना है, इस तरह से आपको कैसे ये जो एडिट किया हुआ है तो इसको कैसे इस तरह से एडिट करना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। और हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सारा लिंक यहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का वीडियो का लिंक मिल जाएगा और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा और ट्विटर का भी लिंक मिल जाएगा और यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। सारी ग्रीन स्क्रीन को मेरे डिस्क्रिप्शन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कैसे आपको एडिट करना है काइन मास्टर आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया में जाने, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड पे, अपने डाउनलोड पे। ये मैंने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर डाउनलोड पे जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा फेसबुक का और ये रहा इंस्टाग्राम का और ये रहा यूट्यूब का और ये ट्विटर का। आप यहाँ पर सभी एक समान है। आप एक वीडियो को एडिट करना सीख गए तो सभी वीडियो को इस तरह से एडिट कर पाएंगे। तो पहले हम इस तरह का वीडियो एक सीख यहाँ पर फेसबुक का यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर खुल के ये आ रहा है। तो इसको कैसे आपको एडिट करना आपको बता देता हूँ। तो सिंपली थोड़ी सी इस तरह से आपको कर लेना है, थोड़ी सी इस तरह से आपको कर देना। कब हमारा निकल रहा है वो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक हमारा निकल रहा है। तो सिंपली थोड़ी देर यहाँ पर, थोड़ी यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से आपको स्लाइड कर देना है इसको। यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो लेयर में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना लेयर, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना टेक्स्ट पर। तो यहाँ पर टेक्स्ट डालना है आपको, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। फॉलो इंस्टाग्राम कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉलो इंस्टाग्राम, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप, हम जो यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरह से फेसबुक, तो फेसबुक हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉलो फेसबुक। और यहाँ पर हम हमारे यहाँ पर आईडी दे देते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का आ गया। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको स्लाइड ऐसे करेंगे और करेंगे इसको इस तरह से आपको लेकर यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। पर एडजस्ट हमारा यहाँ पर कर देना है। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है। आप जिस कलर का करना चाहें कर सकते हैं। इसका फॉन्ट भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसका फॉन्ट हमारे पर बहुत सारा फॉन्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। हम एक को यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का बन गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर एडजस्ट इसको कर लेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। अब उसी तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली आपको एनिमेशन डालना है जिसी तरह से ये आ रहा है। तो यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हमारा पहले से आ जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इन एनिमेशन जो यहाँ पर लिखा है, पहला जो इन एनिमेशन, इसको क्लिक कर देना है। इसको आप फेड भी कर सकते हैं कुछ इस तरह का फेड। और यहाँ पर जो है पॉप, यहाँ पर स्लाइड राइट यहाँ पर कर सकते हैं, स्लाइड राइट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि और यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर जाना है थोड़ी बार, पर ये जो स्वाइप राइट ये इसको करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का बन गया। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी हम इसको प्ले कर देंगे, देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर मस्त लग रहा है हमारा ये।
तो लास्ट को जो चला जा रहा है इसको हम क्या करना है आपको बता देता हूँ। पर लास्ट को इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद फिर से यहाँ पर जो यहाँ पर आउट एनिमेशन होता है इसको, ये जो आउट एनिमेशन है इसको आउट एनिमेशन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और स्वाइप को खोजना है। यहाँ पर स्वाइप कहाँ गया भाई, स्वाइप तो वाइफ आपको लेफ्ट क्या आता है, अभी आपको राइट करना है, सॉरी लेफ्ट करना है। तो कुछ इस तरह का बन गया, तो यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, राइट पर क्लिक करना है, उसी पर आपको क्लिक करना है, उसको सीजर में जाना है और यहाँ पर ड्राइव टू राइट प्लेट पर क्लिक कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह का हो गया, तो यहाँ पर आप प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा जो मिक्स यहाँ पर हो रहा है। तो इसको फिर से आपको प्ले करके देखा तो कितना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से बन गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा। तो यहाँ पर आपको इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर जो शेयर बटन है इसको क्लिक करना है आपको। शेयर बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर दी जाएगी, तो यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ा कुछ भी कर लेना है, और यहाँ पर आपको 720p रखना है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। उसी तरह से आप सभी वीडियो को इस तरह से आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है अलग सा वीडियो जो होता है, हमने तो यहाँ पर फेसबुक का क्या, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सभी एक समान यहाँ पर दिया जाते हैं। तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं, पर इसको कट करके यहाँ पर कट कर लेता हूँ। कट करके आपको मीडिया में जाकर वो एक्सपोर्ट किया हुआ वो वीडियो आपको जो है इंस्टाग्राम का आपको दिखा देता हूँ। सभी एक समान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी एक समान है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया है मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ गया है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से सभी वीडियो को भी आप इसी तरह से एडिट कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके में। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन, तो आप सीख गए होंगे कि आप कैसे जो है सोशल मीडिया की एनिमेशन यहाँ पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके में काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स सोशल मीडिया आइकन वीडियो बनाने के बाद यहाँ पर आपको कैसे उसको वीडियो में लगाना है, वीडियो में कैसे आपको यूज करना है आपका, आप यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है, और यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 69 पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया को सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वो वीडियो को यहाँ पर डाल लेना है। तो वो हम जो यहाँ पर एक वीडियो को यहाँ पर डाल लेते हैं, तो वीडियो को यहाँ पर डालने के बाद आपको बताता हूँ उसको कैसे वहाँ पर लगाना है। तो वीडियो हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसको वहाँ पर आपको कैसे लगाना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको लेयर में क्लिक कर देना है। लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया में क्लिक कर देना है। ये जो वीडियो होगा ये जो है लेयर में ही काम करेगा, अब जो क्रोमा की होगा वो यहाँ पर लेयर में ही काम करेगा। तो यहाँ पर आपको वो वीडियो को यहाँ पर डाल लेना, तो ये जो ट्विटर वाला जो वीडियो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्रोमा की यहाँ पर देने मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्रोमा की पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद सिंपली इसको अनेबल कर देना है, और ये हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो बटन है वो यहाँ पर आ रहा है, तो राइट पर क्लिक कर देंगे सिंपली, और यहाँ पर आपको प्ले कर देना दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा कुछ इस तरह का बन गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर हट गया है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर हट गया है। तो इसी तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं इस ग्रीन स्क्रीन को। तो आशा करते हैं वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलती रहेगी। तो